आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक युगम्बर सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा। रविवार को पैतृक घाट पर शहीद युगम्बर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। सुबह शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पूरा गांव देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। विकासखंड बोखरी के सांकरी गांव निवासी राइफलमैन युगम्बर सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह भंडारी 17 गढ़वा राइफल्स में तैनात थे। वर्तमान में वो सेना के 48 RR रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर थे। 14 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में युगम्बर सिंह की शहीद हो गए थे। शनिवार को शहीद का पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन से रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया था। पार्थिव शरीर को सैनिक कैंप रुद्रप्रयाग में रखा गया था। यहां से रविवार की सुबह शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव सांकरी लाया गया, जिसके बाद पैतृक घाट निगोम नदी किनारे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और युगम्बर की यादों में परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। न्यूज 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। युगम्बर सिंह, युगम्बर सिंह, युगम्बर सिंह। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।